أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بعده نصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ کر آگے پھیلانے والے جب بھی لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ان کے سچے مالک اور سچے الہ کا تعارف کرواتے ہیں جب ان کو یہ آواز سناتے ہیں کہ اللہ مالک نے ہر دور میں ہر نبی کو بھیج کر ایک بنیادی دعوت دلوائی ہے اور وہ بنیادی دعوت ان اعبد اللہ عبادت حق ہے خالص اللہ عز و جل کا تو جواب میں شیطان کئی طرح کے بہانے انسان کو سکھاتا ہے جب ان کو کہا جائے یہ قبروں پہ سجدہ کرنا ان قبروں کا طواف کرنا ان قبر والے مردوں کو اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھنا حاجت روا اور غوث اعظم ماننا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے تمام طرح کی عبادات کے لائق خالص اللہ عز و جل ہے تو وہ ایک شبہ ایک اشکال اکثر پیش کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم سے نا امید ہو گیا کہ اب تم دوبارہ شرک کرو اب تم دوبارہ بتوں کی پوجا کرو ہاں میں تم پر ڈرتا ہوں تو دنیا کے بارے میں اس حدیث کو پیش کر کے اکثر قبر کے پجاری
कबर वाले मुर्दों को दाता कहने वाले, ये इश्काल आम इंसानों के जहनों में पैदा करते हैं कि अब इस उम्मत मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर शिर्क नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया शैतान तुमसे ना उम्मीद हो गया कि तुमसे दोबारा शिर्क करवाए। हालांकि ये खिताब सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबे किराम से किया, ए मेरे सहाबा शैतान तुमसे ना उम्मीद हो चुका है, शैतान तुमसे मायूस हो चुका है। सहाबा का जमन, सहाबा का दौर बेहतरीन, तीन द्वार की गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, बेहतरीन दौर मेरा, फिर उसके बाद आने वाला, फिर उसके बाद आने वाला। इस दौर के मुसलमानों से शैतान मायूस था, लेकिन शैतान ने वही हरबे जो पहले इस्तेमाल किए पिछली उम्मतों को बर्बाद करने के लिए, वही हरबे इस उम्मत के अंदर शिर्क को दाखिल करने के इस्तेमाल किए। अक्सर आपने क्यू टेलीविजन पर ताहिरुल कादरी साहब को सुना होगा कि नहीं जनाब, इस उम्मत में शिर्क नहीं आ सकता। तो आइए जरा कुरान और हदीस के दलाइल जरा वरक गर्दानी करते जाएं और देखें क्या वाकई ये उम्मत क़यामत तक शिर्क से फारिग हो चुकी है, खलासी पा चुकी है, हिफाजत इसकी हो चुकी है, अब शिर्क इसके अंदर दाखिल नहीं होगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने एक सहाबी को जब उसके हाथ के अंदर एक पीतल का छल्ला देखा या किसी और धातु का, पूछा ये क्यों पहना है, ये कैसे पहना है, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी के जवाब में कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अरब के अंदर एक बीमारी है, उसका नाम वाहना है, उससे बचाव के लिए मैंने ये पहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंज़िहा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, इसको उतार कर फेंक दो, ये तुम्हारी बीमारी में इजाफा तो करेगा, कमी नहीं करेगा। वलौ मुत्ता वही अलैक मा अफलहता अबदा, और अगर यही छल्ला, यही मुंदरी, यही अंगूठी, यही कड़े पहने पहने मौत वाके हो गई, मा अफलहता अबदा, तो ये फलाह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि शिफा देने वाला कौन, ना पत्थरों में शिफा, ना अंगूठियों में शिफा, ना छल्लों में शिफा, ना कड़ों में शिफा, ना तावीजों में शिफा, ना पीर की फूकों में शिफा, ना बाबे के नमक में शिफा, ना बाबे के तेल में शिफा, शिफा देने वाला इब्राहिम अलैहि सलाम। इसीलिए तो कहते हैं जब मैं बीमार होता हूं फहुवा यशफीन, वो अल्लाह मुझे शिफा दे देता। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इस कलाम पे गौर कीजिए, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब, कि आप उनको नहीं देखते जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला, मुराद इससे यहूदी, यहूदी जो अहले किताब हैं, उन पर नबी भी आया, उन पर किताब भी आई, उनको किताब का हिस्सा मिला, युमिनून बिल जिब्त व तागूत, ईमान लाने के बाद, किताब मिलने के बाद, नबी के आने के बावजूद ये क्या करते हैं, युमिनून बिल जिब्त व तागूत, ये शैतान के पुजारी हैं, ये तागूत के पुजारी हैं, और तागूत से मुराद हर वो हस्ती जिसकी अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ साथ इबादत की जाए वो तागूत है। ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا, और ये यहूदी कुफार से कहते हैं कि ए मक्के के काफिरो, तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनिस्बत ज्यादा हिदायत पर हो। इस आयत के शान नजूल मुस्नद अहमद के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का ये कौल मौजूद है कि काब बिन अशरफ यहूदी सरदार, वो यहूदी जो जानते थे, जिनको इल्मे कामिल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, इनका नबी, ये नबी सच्चा, इसकी किताब सच्ची, इसकी नबुवत सच्ची, सिर्फ इसलिए नहीं मानते थे कि ये हमारे अंदर क्यों नहीं आया, ये इस्माइल की औलाद से क्यों हुआ, सारा इल्म था अल्लाह के नबी की हकानियत को मुकम्मल जानते थे, सिर्फ बुग्ज और अदावत के अंदर मानते नहीं थे।
जब वो मक्के के अंदर आया आग भड़काने के लिए बदर के बाद, तो काफिरों ने घेर लिया। कहा, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, तुम यहूदी सरदार भी हो, तुम्हारे पास तुम्हारी पिछली किताबों का इलम भी है, तुम अहले किताब हो, हम बुतों के पुजारी, बुतों पर सजदा करने वाले, बुतों को पुकारने वाले, औलिया की मूर्तियों को मुश्किल कुशा समझने वाले, हम ज्यादा हिदायत पर हैं या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज्यादा हिदायत पर हैं। इसको देखो, इसकी ना नस्ल है, ना आल है, ना औलाद है, ये दुम कटा है। नऊज़ु बिल्लाह, सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। और हम हुज्जाज के खादिम हैं, बैतुल्लाह के खादिम हैं, हम हिदायत वाले हैं या ये हिदायत वाले हैं। अब वो जानता तो था अंदर से कि असल हिदायत पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी एक यहूदी बच्चे के सरहाने बैठे और कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने अपने बाप को देखा। बाप ने कहा कह दे जो अबुल कासिम ने कहा है, क्योंकि दिल तो मानता था कि हक वही है जो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो वो कुफार की हिमायत लेने के लिए कहने लगा, नहीं, तुम बुतों के पुजारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ज्यादा हिदायत याफ्ता हो। तो यहूदियों के बारे में कुरान हकीम एक बात समझा रहा है, युमिनून बिल जिब्त व तागूत, ये शैतान पर ईमान लाने वाले, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले। दूसरा मकाम कुरान हकीम का सूरत अल माईदा है, आयत नंबर 60 है, अपने घरों में रखे हुए कुरान को गिलाफों से निकालो और कुछ वक्त उसकी तिलावत तर्जमे और तफसीर के साथ करो। कुरान हकीम में ऐलान सुनिए, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ। ये कौन थे? यहूदी। यहूदियों के कुछ लोगों को मालिक अज़्ज़ा वजल ने, यहूद और नसारा के, जिनको हफ्ते के दिन आजमाया, इन यहूदियों में से कुछ लोगों को अल्लाह ने बांदर और खंजीर बनाया और फिर इनकी नस्ल को खत्म कर दिया। ये थे कौन? इनका अकीदा, इनका किरदार कुरान बयान करता है, वअबदत तागूत, ये अल्लाह की इबादत नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के मुकाबले पर शैतान की इबादत करते थे, बुतों को पूजते थे, अल्लाह के अलावा तागूत गढ़ रखे थे, उन तवागीत की इबादत करते थे, मअबूदान बातिला की पूजा करते थे। दूसरी आयत से भी साबित हुआ कि यहूदियों के अंदर शिर्क और गैर अल्लाह की इबादत दाखिल हो चुकी थी। अब आइए इन दोनों आयतों को सामने रखिए कि यहूद और नसारा के अंदर शिर्क दाखिल हो चुका था, यहूदियों के अंदर तागूत की इबादत शुरू हो चुकी थी। आइए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनिए। अबू सईद खुदरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, तुम अपने से पहले लोगों के तरीकों की मुकम्मल पैरवी करोगे। अपने से पहले जो उम्मतें तुम्हारी गुजर गई, मुसलमानों से पहली उम्मत नसारा की, यहूदियों की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की, अपने से पहली उम्मत की मुकम्मल पैरवी करोगे। जिस तरह तीर के पर आप इसमें बराबर होते हैं, तुम भी उनके नक्शे कदम पर ऐसे ही चलोगे। अगर उनमें से कोई किसी जानवर के सुराख में दाखिल हुआ होगा तो तुम में से भी जरूर ऐसे लोग होंगे जो उसी जानवर के सुराख में दाखिल हों। रसूलुल्लाह सल्लम ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लम से पूछा गया, सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हमसे पहले लोगों से मुराद कौन है? जिनके पीछे हम चलेंगे वो कौन है? क्या वो यहूद और नसारा है? आपने फरमाया वो नहीं तो फिर और कौन है? यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर तुम चलोगे, यहूद और नसारा के पीछे उनके कदमों पर, उनके फुटप्रिंट पे जो उनके अकीदे होंगे, जो उनके मामलात होंगे, उसके पीछे पीछे चलोगे। अगर वो किसी सुराख में, जानवर के सुराख में दाखिल हुए तो तुम भी ऐसा ही करोगे। एक और रिवायत में कि अगर
उनमें से यहूदियों में से किसी शख्स ने रास्ते के ऊपर खड़े होकर अपनी बीवी से जिमा किया होगा तो तुम में से भी कुछ लोग होंगे जो यही अमल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आपके मौजजात में से है और आपकी नबूवत की सदाकत की रोशन दलील है कि जो कुछ अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल की खबर दी, अल्लाह के नबी मुस्तकबिल की खबर कैसे देते थे? अल्लाह की वही से, जो अल्लाह बता देता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरह दे देते हैं, और जब अल्लाह ना बताता तो अपनी बीवी पर तोहमत लग गई अल्लाह के नबी को पता, अल्लाह ना बताता तो जहर वाला खाना उठा के मुंह में रख लेते लेकिन आपको खबर, अल्लाह ना बताता कुर्राए कराम को रवाना कर देते और वो शहीद हो जाते और नबी को खबर, अल्लाह ना बताता तो नबी कहते कल इतला दूंगा यहूदियों को और कल पे कल गुजर जाती और वही ना आती तो नबी बता ना सकते। नबी को अल्लाह बता देता, नबी अपनी उम्मत को बता देते। अब यहां पर इतला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम यहूदो नसारा की पैरवरी करोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनके फुटप्रिंट पे चलोगे, जो अमाल वो करके गए वही अमाल तुम भी करोगे। हमने पहले कुरान की दो आयात से साबित किया कि यहूदियों में शिर्क और तागूत की इबादत थी। अब आइए जरा कुछ और अमाल देखें, यहूदो नसारा के क्या अमाल थे जिनके पीछे चलने का खदशा और पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लम फरमा कर गए। सबसे पहले कब्रों की तअज़ीम के अंदर गुलव, कब्रों के ऊपर मस्जिदें बनाना, ये यहूदो नसारा का अमल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के करीब हैं और फरमा रहे हैं अल्लाह लानत कर यहूदो नसारा पर, क्यों? इत्तखज़ु क़बूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन जालिमों ने अपने अंबिया की कब्रों पर कुब्बे जुब्बे मस्जिदें बना ली। जो अमाल मस्जिदों में होते हैं वो अमाल इन्होंने अवलिया की कब्रों पे शुरू कर दिए। ज़रा सोचिए इंडिया पाकिस्तान वालों, ज़रा नज़र दौड़ाओ अपने माशरे के अंदर, हमारे माशरे में कितनी मस्जिदें हैं जिनके अंदर कब्रें हैं और कितनी कब्रें हैं जिनके ऊपर मस्जिदें हैं। कब्रों के ऊपर मस्जिदें, मस्जिदों के अंदर कब्रें, और ये यहूदियों का अमल है अपने बुजुर्गों की कब्रों की तअज़ीम करना, कब्रों के ऊपर मस्जिदें बनाना, नमाज पढ़ते हुए दुआ करते हुए कुरान की तलावत करते हुए किबले को छोड़कर इन कब्रों की तरफ रुख करना और फिर कब्र वालों को पुकारना, उनसे मदद मांगना, उनसे हाजात और मुश्किल के अंदर सवाल करना, और अपने अहबार और रहबान दरवेश और मौलवियों को हलाल और हराम का सारा इख्तियार दे देना। एक यहूदी आलिम जब मुसलमान हुए और कुरान हकीम की सायद पर पहुंचे कि यहूदियों ने अपने अहबार व रहबान दरवेश सूफी मौलवी इनको रब बना लिया, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा रब बना लिया, तो वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने किसी मौलवी को कभी रब नहीं कहा, किसी दरवेश को, किसी सूफी साहब को, किसी शेख साहब को, किसी हाजी साहब को रब नहीं कहा। रब सिर्फ कहना से रब नहीं बन जाता, कुछ अमाल ऐसे हैं जब वो अमाल किए जाएं जिसके लिए वो किए जा रहे हैं उसका मकाम रब वाला मकाम बन जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जब तुम्हारा कोई शेख, कोई आलिम किसी चीज़ को हलाल कर दे तुम उसको हलाल मानते थे? सोचना ज़रा, गौर करना, जब तुम्हारा कोई आलिम, कोई शेख, कोई मौलवी किसी चीज़ को हलाल कह दे तुम हलाल मानते थे? कहा हाँ जी। कहा जब वो हराम कह दे हराम मानते थे? कहा जी बिल्कुल। कहा यही तो रब बनाना है, यही तो रब बनाना है, जब किसी को इख्तियार मिल जाए जो ये कह देंगे पत्थर पे लकीर है। सोचिए आज हमारी उम्मत का वही हाल नहीं? अजी बात तो ठीक है लेकिन हमारे मौलवी साहब ने तो यूं नहीं कहा, हदीस तो ठीक है हमने पढ़ ली लेकिन हमारे शेख साहब ने यूं नहीं कहा, आंखें बंद हैं जो हमारे मौलवी ने कह दिया, जो शेख ने कह दिया, जो पीर ने कह दिया, जो सूफी साहब ने कह दिया, जो मौलवी साहब ने कह दिया, बस वही पत्थर पे लकीर।
और हालांकि हलाल और हराम के इख्तियार किसको है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा। मालिक ने फौरन गिरफ्त कर ली, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह हलाल करता है, तू हराम करने वाला कौन होता है? तबतगी मर्दात अज़वाजिक, बीवियों को राजी करता है। हलाल और हराम ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, जायज और नाजायज, हलाल और हराम कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब भी किसी से सवाल करें, पूछें, हजरत ये बात अल्लाह के कुरान में कैसे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कैसे है, जो दलील कुरान और हदीस की मिलेगी उसके मुताबिक फैसला दीजिए। ये कह देना बस जी आपका फरमा देना काफ़ी है, हम इस मौलवी साहब के पीछे हैं, दो रकात नमाज अंधेरा, जो हाल मौलवी का वही मेरा, ये दीन नहीं है। उलमा से पूछिए, सवाल कीजिए, लेकिन सवाल क्या करें, हलाल क्या है, हराम क्या है, बताइए कुरान ने क्या कहा है और फरमाने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। किताबुल्लाह को छोड़ना ये वो बद आदत थी जो यहूदियों की, और आज यही हाल हमारा नहीं है। जरा अल्लाह के लिए सोचिए, अपने दिल में, अपनी कब्र में जाना है, हम में से कितने हैं, कितने हैं, अपनी अपनी उम्रें गिने, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जितने भाई हम यहाँ बैठे हैं, हम तो गौर कर लें बाकियों को छोड़ें, हम में से कितने हैं जिन्होंने कुरान हकीम को ज़िंदगी में एक मरतबा, ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी में एक मरतबा तर्जुमे के साथ पढ़कर समझा हो। तोते की तरह तो रमज़ान शरीफ के अंदर रख लेते हैं, अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक देख लेते हैं और गुज़र जाते हैं, लेकिन तर्जुमे से फ़हम के साथ कि अल्लाह कहता क्या है, अल्लाह मांगता क्या है। एक तो हमारे पास वक्त नहीं इस कुरान को पढ़ने का, इस कुरान को सीने से लगाने का, इस कुरान को समझने का, इस कुरान का तर्जुमा देखने का। दूसरा बुरा हो उन खबीस मौलवियों का जिन्होंने हमारे जहन में बात ही ये डाल दी, दूसरी कुरान नहीं समझ सकते, तुम कुरान नहीं समझ सकते। कुरान समझने के लिए 15 आलूम चाहिए, आप कहते हो भाड़ में जाओ, ना 15 आलूम होंगे ना समझेंगे, इसलिए पढ़ते ही नहीं, जान छूटी। अब किसी ने कोई किताब पकड़ा दी, किसी ने कोई किताब पकड़ा दी, किसी ने कोई किताब पकड़ा दी, ये शेख ने लिखी है, ये मौलवी साहब ने लिखी है, या पीर साहब ने, अरे जो निसाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने भेजा है ज़रा उसको तो पढ़कर देखो। ये यहूदियों की बद आदत थी, वो अल्लाह के कलाम को छोड़ चुके थे, अनवाओ अकसाम के जादू टोने के अंदर यहूदी गिरफ्तार हो चुके थे। नाराज ना हो तो अपने अपने मुल्कों का इतवार मैगजीन, संडे मैगजीन उठा कर देखो, कलर्ड इश्तिहार आते हैं या नहीं आते, बंगाली बाबा, काजिम बाबा, 18 मुल्कों के कामयाब दौरा करने के बाद आज बसंत नगर में पहुंच चुका है। जो चाहो सो पूछो, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी ना हो सके। वही जादू टोना जो यहूदियों के अंदर था, आज उम्मत मुस्लिमा उसी जादू टोने के अंदर शामिल हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुकी है, बल्कि जादू टोने के बाकायदा चैनल चलते हैं। उठाइए क्यू टेलीविजन को, इस्तखारे का प्रोग्राम आप में से कई लोगों ने देखा होगा, ये इस्तखारा क्या है, ये जादू टोने हैं। मैं सऊदीया में बैठकर उसे फोन करता हूं, वो पूछता है तेरी मां का नाम क्या है, मैं ना मां का नाम बताता हूं, वो अपने शयातीन के जरिए झूठ और बकवास मिलाकर कह देता है तेरी शादी 4 साल बाद होगी, तेरे घर में ये मसला है। ये इस्तखारा, ये जादू है, ये टोना है, ये वो यहूदियों की सुन्नत है जिस पर आज कलमा पढ़ने वाले चल रहे हैं। गैब की खबर अल्लाह के अलावा किसी और को, वो लाहौर में बैठकर चैनल चला रहा है और उसको कुवैत में बैठी हुई औरत के सारे हालात का इलम हो रहा है, ये झूठ है, बकवास है और यहूदियों की पैरवरी है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। यहूदियों की एक बद आदत, आपको नाराज करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन जब मरीज का ऑपरेशन होता है तकलीफ तो मरीज को होती है, कामयाब डॉक्टर वही है जो उसके गंध को निकाल दे। अपने माशरे पर नजर दौड़ाइए, अपने अकाइद पर नजर दौड़ाइए, अपने नजरियात पर नजर दौड़ाइए और फिर ये याद कीजिए, अगर आपके और मेरे अकीदों के अंदर यहूदियों वाली खसलतें हैं तो अहले ईमान के अंदर कभी शिरकिया और अहले शिरकी खसलत नहीं आ सकती। तब्दील कर लीजिए अपने आप को,
अपना दामन अल्लाह के कुरान से जोड़कर पूरी कायनात से तोड़ लीजिए, और जिसका दामन रब के कलाम से जुड़ जाए उसे किसी और की हाजत नहीं होती। यहूदियों की एक बुरी खसलत यह भी थी, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ ऐब और नक्स बुरी बातें मंसूब किया करते थे। यदुल्लाही मगलूला गुल्लत अयदीहिम, वो अल्लाह के हाथ को कहते थे अल्लाह का हाथ मगलूला है, उनके अपने हाथ टूट जाए, बल्कि अल्लाह के हाथ मबसूतान जैसे चाहता है खर्च करता है। वो अल्लाह की तरफ ऐब की निस्बत करते थे, नक्स की निस्बत करते थे। आज यही बीमारी इस कलमा पढ़ने वाली उम्मत के अंदर भी मौजूद है। आप कहेंगे मौलवी साहब पता नहीं कहां से बोल रहे हैं, ये हमारे हाथ के अंदर फतावा रिजविया है, अहमद रजा खान साहब बरेलवी साहब का फतावा जो कई जिल्दों में है, ये इसकी पहली जिल्द है, इसको शाया किया है दारुल उलूम अमजदिया मकतबा रिजविया आराम बाग रोड कराची पाकिस्तान ने, इसके सफा नंबर 745 के ऊपर आपके सामने सिर्फ चेहरे से नकाब उतारने के लिए कि यहूद और नसारा के वो तमाम अकीदे आज कलमा पढ़ के हमने अपना लिए हैं, उनकी खसलतें हमारे अंदर दाखिल हैं और हमारी बर्बादी की बहुत बड़ी वजह भी यही है। बातें गर्म हैं, बातें कड़वी हैं, लेकिन चंदे नहीं मांगता, रोटी नहीं मांगता। अल्लाह के लिए एक सवाल है, एक पुकार है, एक दरख्वास्त है, भीख मांगता हूं अल्लाह के लिए। अल्लाह के कुरान से जुड़ जाइए, मोहम्मद करीम के फरमान से जुड़ जाइए। इसके अलावा जो चीजें अल्लाह के कुरान से टकराएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से टकराएं, उसको जूती की नोक पे ठोकर मार दीजिए। हर किसी की बात गलत हो सकती है, ना रब का कलाम गलत हो सकता है, ना मोहम्मद का फरमान गलत हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है, हम सब अल्लाह किसको मानते हैं? जो अरश पे है, जो हर तरह के ऐब से पाक है, जो हर तरह की बुराई से पाक है। किसी को यकीन ना आए दरस के बाद हमारे पास आकर अपनी अल्लाह की दी हुई आंखों से इस किताब के इस सफ़े का मुताला करे। सुनिए जरा अल्लाह की तोहीन कैसे हो रही है। सफा 745 है। वहां भी ऐसे को खुदा कहते हैं जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊंगना, गाफिल रहना, जालिम होना, मर जाना सब कुछ मुमकिन है, कि जिसको ये अल्लाह मानते हैं वो भूलता भी है, सोता भी है, ऊंगता भी है, गाफिल भी रहता है। और अल्लाह ऐलान करता है ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंग आती है। इन तमाम हाजतों से अल्लाह पाक है, सुबहानहु, वो बुलंद है, बरतर है, पाक है। यही अमल यहूदियों का था। यह इतनी खतरनाक इबारत है कि दिल मेरा साथ नहीं देता, इसको पढ़ के आपके सामने रखूं। यही खतरनाक बीमारी यहूदियों में थी, वो बुराई की निस्बत, ऐब की निस्बत अल्लाह की तरफ किया करते थे। यही बीमारी आज कलमा पढ़ने वाले मुशरिक के अंदर भी है। सही मुस्लिम के अंदर हजरत सोबान की इस रिवायत पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे लिए तमाम जमीन समेट दी जिससे मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को देखा। यह रसूलुल्लाह सल्लम का मौजज़ा है। जैसे आप मेराज से आए, बैतुल मकदस का सफर कुफार को सुनाया, उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए, अच्छा बताओ बैतुल मकदस के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, रंग रोगन कैसा है, जिदार कैसी है, दीवार कैसी है। अल्लाह के नबी परेशान हो गए। अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर अपने नबी के चेहरे के सामने बैतुल मकदस को कर दिया। कुफार सवाल करते जाते, नबी देख देख कर जवाब देते जाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सारी जमीन मेरे लिए समेट दी, मैंने उसके मशरिक को भी देखा, मैंने मगरिब को भी देखा। अल्लाह ने मुझे दो खजाने दिए, एक सुर्ख एक सफेद, एक सोना और एक चांदी। अल्लाह से मैंने सवाल किया अल्लाह मेरी उम्मत को, सारी उम्मत को कहत से हलाक ना करना और इन पे कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लित ना करना जो इनको मुकम्मल हलाक कर डाले। इस हदीस को
हाफिज अबू बकर मोहम्मद बिन अहमद बिन गालिब अल ख्वारज़मी अल बरकानी ने अपनी सही में रिवायत किया और साथ ये अल्फाज भी बयान फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में गुमराह कुन इमामों और लीडरों का खौफ है। उम्मत की आवाम पर, मैं उम्मत के गुमराह मौलवियों से डरता हूं कि एक आदमी गुमराह होगा, अकेला गुमराह होगा, मौलवी गुमराह होगा, पूरी मस्जिद का बेड़ा गर्क कर जाएगा। मैं इस उम्मत के गुमराह इमामों से, गुमराह मौलवियों से का खौफ है और डरता हूं इनमें अगर तलवार चल पड़ी, खौफ किस चीज का है, तलवार चल पड़ी तो क्यामत तक फिर इनके कत्लो गारत की तलवार नहीं रुकेगी। हजरत उस्मान की शहादत से मुसलमानों में तलवार चली और आज तक चल रही है। सुनिए जरा रसूलुल्लाह सल्लम के फरमान को, आपने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत की एक जमात मुशरकीन के साथ नहीं मिल जाती क्यामत कायम ही नहीं होगी। पूछिए मौलवी ताहिरुल कादरी साहब से, आप जो कहते हैं इस उम्मत में शिर्क हो ही नहीं सकता, ये उम्मत शिर्क कर ही नहीं सकती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत की एक जमात मुशरकीन से इल्हाक ना कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ जमातें बुत परस्ती करनी ना शुरू कर दें। बुत परस्ती हो रही है या नहीं हो रही है? जो बॉर्डर पार लोग हैं मंदिरों के अंदर, वो किसको पूछते हैं? खड़े को। और हम किसको पूछते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको राजी करने के लिए भजन गाते हैं और हम इसको राजी करने के लिए कवाली पीटते हैं। ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? वो इस पर आकर अपनी हाजतें सवाल करते हैं और अगर कुछ मिल जाए तो बच्चे का नाम रामचंद्र रखते हैं, और हमें यहां से कुछ मिल जाए हमारे ख्यालात के मुताबिक, देने वाला तो अल्लाह ही है, तो हम इसका नाम पीर दीता रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम फरमा रहे हैं उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ जमातें बुत परस्ती ना करने लग जाएं। वो मंदिरों के अंदर बुतों को पूजते हैं जो लंबे खड़े हैं, और हम उनको पूजते हैं दरबारों पे, दरगाहों पे जो सीधे पड़े हैं। वो पत्थर उठा के लाते हैं, घड़ के उसकी मूर्ति बना के उसका कोई नाम रख देते हैं। हम मरने के बाद गुसल देते हैं, अस्तंजा करवाते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, कंधों पर उठाते हैं, कबर में डालते हैं, मट्टी डाल के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हुण तक तेरे नाल चंगी की थी, हुण तू अगे चंगी करी, यहां तक तो तू हमारा मोहताज था, अब हम तेरे मोहताज हो गए। और अकल के अंधे खड़े इस कबर पे हैं, वो कबर किसी पीर साहब की हो। पीरों ने तो अपने मुरीदों को वो कुछ करने का हुक्म नहीं दिया ना जो किया जा रहा है। जो नेक औलिया अल्लाह है वो तो मुरीदों से बरी है। अकल कितनी इनकी मारी हुई, खड़े कबर पे हैं और कह रहे हैं दे दाता दे दाता दे दाता। हाथ कहाँ उठे हुए हैं सोचिए जरा, हाथ कहाँ उठे हुए हैं? ऊपर, क्योंकि अक्ल सलीम इंसान की फितरत बता रही है इन खाली हाथों को भरने वाला कहाँ है? अरश पे है। और अगर वाकई आपका ये यकीन है कि ये मुर्दा बाबा, ये पीर, ये खाजा, ये दाता, ये सारा कुछ है, जब मर गया था अस्तंजा करने की ताकत नहीं थी और जब छह मन मट्टी के नीचे चला गया तो बच्चे देने की पूरी फैक्ट्री लगा ली इसने अंदर, तो कम से कम यूं मांग लिया करो, फड़ा दे दाता दे दे दाता, कोई नहीं देख रहा, काट दे जो कुछ काट के देना, वो नीचे है ना जिसे मांगा जा रहा, तो यूं मांगो। अल्लाह के लिए सोचना, नाराज ना होना, नाराज हो तो पहले माफी मांग लेता हूं। अल्लाह के लिए सोचो, अगर ये मुर्दे, जो मुर्दे हैं जिनको कुरान कहता है अमवातुल गैरु अहया, ये मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है। जिंदा होते तुम्हें शर्मगाह को हाथ लगाने, जिंदा बंदा अपनी शर्मगाह को किसी और का हाथ लगाने देता है?
जिंदा होते तो अपनी शर्मगाहों को हाथ लगाने ना देते, जिंदा होते अपने बच्चों को रोने ना देते, जिंदा होते इद्दत गुजरने के बाद बेगम को कहीं और निकाह ना करने देते, जिंदा होते अपने मकान का बंटवारा ना होने देते, जिंदा होते कब्र के अंदर खुद ना खुद फेंका जा रहा है तो कम अज कम आराम से खुद ही उतर जाते, लोगों के कंधों पर सवार ना होते। अगर ये यकीन है वाकई ये देते हैं तो यूं सवाल ना करो, फिर यूं सवाल कर लो कि देते नहीं, देने वाला कौन? वो अरश पे है, बाकी सब उसके फकीर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर सबसे पहले अपनी उम्मत को जो डराया है वो गुमराह इमामों से, सूफियों से, पीरों और फकीरों से डराया। आइए जरा सूरत आराफ है, आयत नंबर 38 है, कुरान हकीम के इस मकाम को सुनिए और गौर कीजिए। जब अहले जहन्नम जहन्नम में इकट्ठे हो जाएंगे, قالت اخراهم لاولاهم, तो पहले पिछलों के बारे में कहेंगे, मुरीद पीरों के बारे में कहेंगे, रब्बाना हाउलाई अदल्लूना, अल्लाह इशा साहब सानू गुमराह करने वाले सा, हाउलाई ये वो है, ये पीर और बापे, ये बुजुर्ग, ये गद्दी नशीन, ये सज्जादा नशीन, ये हमारे नजराने वसूल करने वाले, ये कब्रों पे उर्स लगाने वाले, ये कब्रों की हरके गुलाब से गुसल देने वाले, ये खाक के अंदर शिफा बताने वाले, हा उलाई रब्बाना है हमारे रब, हा उलाई ये वो लोग हैं, अवल्लूना जिन्होंने हमें गुमराह कर दिया। ये कहा करते थे बच्चा बीमार है, एक दफा इस्लामाबाद के बाबे के पास आकर बकरे की नियाज देकर कह दे बड़ी बड़ी सरकार, बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, बच्चा बीमार है असील देसी मुर्गा लेके आ, उसके खून से तावीज लिखूंगा। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आप असील देसी मुर्गा खरीद के जिबा करके एक डब्बी में खून बंद करके मौलवी के पास ले जाओ, जूते मार के भगा देगा आपको। आपको जी आपने कहा था ना खून से तावीज लिखूंगा, तो ये मैं खून ले आया हूं, कहेगा बोटियां अपने फरिश्ते वास्ते छड़ आया, असल तो वो सी ना खून तुहाडे वास्ते बोटियां। ये वो गुमराह है जिन्होंने लोगों की इज्जतों के जनाजे निकाले हैं, लोगों के ईमान के जनाजे निकाले हैं, लोगों के माल के जनाजे निकाले। जब ये पहुंच जाएंगे वो सवाल करेंगे, अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, जिन्होंने क्यों टेलीविजन पे आकर ऐलान किए थे फिक्र ना करो इस उम्मत में शिर्क नहीं आ सकता, कब्रों पे सजदे भी करो, कब्रों का तवाफ भी करो, कब्रों पे नजराने भी दो, कब्रों पे गिलाफ भी चढ़ाओ, कब्र वालों से मदद भी मांगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का टुकड़ा भी समझो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं गारंटी देता हूं तुम शिर्क कर ही नहीं सकते, और ये सारा कुछ बुजुर्गों का एहतराम है, शिर्क नहीं। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, ये लोग वहां पर क्या कहेंगे, फातिहिम फातिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, दुनिया के अंदर तो उनके दरगाहों पे जाते हुए जूती उतार के नंगे पांव होकर जाते थे, दुनिया के अंदर तो इस गद्दी नशीन की तरफ पुश्त करने को भी हराम समझते थे, लेकिन जहन्नम में गिरने के बाद कहेंगे आतिहिम दे इनको अज़ाबन अज़ाब ज़िफ़म मिनन नार, जहन्नम का दो दफा आजाब, दो गुना आजाब दे, लेकिन वहां पे चीखने का फायदा, वहां पे अल्लाह का जवाब होगा तुझे भी दुगना आजाब, इनको भी दुगना आजाब, तुझे भी डबल आजाब, इनको भी डबल आजाब। हम कह सकते हैं ना कि अल्लाह पाक हमारा क्या कसूर है,
हमें डबल क्यों? मौलवी का तो कसूर समझ आ गया कि खुद भी गुमराह था, हमें भी गुमराह किया, हमें डबल क्यों? हमने तो इसका क्यू चैनल पर, क्यू टेलीविजन पर यह प्रोग्राम देखा था, उसके बाद इसके पीछे लगे थे, हमारा कसूर क्या है? हमने तो इसका जुब्बा देखा, इसका रुमाल देखा, इसका बिस्तर देखा, इसके माथे का मेहराब देखा, इसके हाथ में लंबी तस्बीह देखी। हम तो इसको दीनदार समझ के पीछे लगे, हम तो इसको मौलवी समझ के, शेर समझ के, पीर समझ के, अल्लामा समझ के इसके पीछे लगे थे, हमारा कसूर क्या है? इसका तो कसूर है, खुद भी गुमराह हुआ तो मुझे भी गुमराह किया, लेकिन हमारा कसूर क्या है? सोचना जरा, सवाल बड़ा खतरनाक है। तो क्या अल्लाह मालिक आपसे और मुझसे ये नहीं कह सकता कि बंदे तूने टमाटर लेने हो, टमाटर लेने हो तो उन टमाटरों को तू चार दफ़ा उठाकर देखता, ये गला हुआ तो नहीं है? जो गला हुआ हुआ तो बेगम मेरे ही सर में मारेगी। प्याज लेते हुए देखता, ये पुराना तो नहीं है? सब्जी लेते हुए, बैंगन लेते, बताऊं लेते हुए तू देखता, इसमें सुराख हुआ हुआ, कीड़े तो नहीं पड़े हुए? हाय हाय हाय, तू जूती लेते हुए मार्केट चेक करता, इसके सोल को मोड़ कर देखता, कहीं इसमें गत्ता तो नहीं है? चमड़े के नाम पर रेगजीन तो नहीं है? तू कपड़ा लेने जाता, 10 मार्केटें 10 दुकानें घूमता, कपड़े के ऊपर जापान की मोहर तलाश करता, कपड़ा लेते हुए तहकीक, जूती लेते हुए तहकीक, टमाटर और प्याज लेते हुए तहकीक, बेगम की लिपस्टिक लेने जाता तो तब भी कहता, दुकानदार साहब हाँ मेडोरा कंपनी की देना, चाइना वाली ना देना, मेरी बूढ़ी तो बोल खराब हो जाएंगे, अच्छी चीज देना। दुनिया के एक एक अमल के अंदर तहकीक और सोच है। क्या कुरान की इतनी भी कदर नहीं है जितनी दुनिया की चीजों की कदर है? दीन लेते हुए कोई तहकीक नहीं। मैं देवबंदी के घर पैदा हुआ, देवबंदी, बरेलवी के घर पैदा हुआ, बरेलवी, वहाबी के घर पैदा हुआ, वहाबी, मुझे नहीं पता अल्लाह मालिक इस कुरान में क्या फरमाता। जो टमाटर लेते हुए सोचते हो, सब्जी लेते हुए सोचते हो, क्या दीन इतनी भी आपके साथ, आपके और हमारे यहां अहमियत नहीं रखता कि दीन लेते हुए तो सोच लें? ये मौलवी कहां से बोल रहा है? इसकी दलील क्या है? इसके पास सबूत क्या है? मालिक का ऐलान सुनिए, तेरे लिए भी डबल आदाब और इन सब के लिए डबल आदाब। ये वो इम्तहान है, ये जहन्नम का वो गड़ा है जिसमें आने के बाद फिर सप्लीमेंट्री नहीं है, फिर रिटेस्ट नहीं है, फिर वापसी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं अपने हदीस में, इन गुमराह इमामों से बचो जो क्या कहते हैं, जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, गौसे पाक से ये देखा ना जाएगा। लाहौर के अंदर एक मौलवी की तकरीर मैं सुन रहा हूँ, उसने कहा हमारे जो गौसे आज़म होंगे उनका खैमा जहन्नम के किनारे पे लगा हुआ होगा, और जिन मुरीदों को फरिश्ते पकड़ पकड़ कर जहन्नम में गिरा रहे होंगे वो छीन छीन के जन्नत में भेजेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी के बारे में जहन्मी होने का फैसला कर दे तो दुनिया की हस्ती उसको बदल सकती है? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं था ऐ अल्लाह मेरा बेटा, इन्नहु मिन अहल, ये मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल का, फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा बेटा नहीं, तेरा नुतफा तो ज़रूर है लेकिन तेरे ईमान और अकीदे पर नहीं है, दोबारा किसी मुशरिक की सिफारिश ना करना, मैं तुझे भी खसारा पाने वालों में शामिल कर दूंगा। ये दुनिया के दावे हैं। भटकी हुई औरत आकर पीर साहब की बैत के लिए हाजिर होती है, पर्दा किया हुआ, वो बाबा कहता है, उससे पहले उसके मुरीद कहते हैं बीबी मुंह नंगा कर, वो कहती मैं पर्देदार औरत हूं कैसे नंगा करूं? कहा कमलिए अगर आज तूने मुंह नंगा ना किया, पीर साहब तुझे ना देख सके, क़यामत के दिन कैसे तुझे पहचान कर बख्शवाएंगे? अपना मुंह दिखा इसको। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में सर रखकर सोए हुए आयशा की आंखों का आंसू नबी के चेहरे मुबारक पे गिरता है, उठकर बैठ जाते हैं। आयशा क्यों रो रही है? कहा अल्लाह के नबी क़यामत याद आ गई, रोना आ गया, क्या आप क़यामत के दिन हमें याद रखेंगे?
सुनिए रसूलुल्लाह सल्लम क्या फरमा रहे हैं। आयशा, तीन मौके ऐसे आने वाले हैं कोई किसी को याद नहीं रखेगा, मैं भी तुझे याद। जब तराजू लगेगा, जब नामा अमाल तकसीम होगा, जब पूरे सरात से गुजरा जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। और यहां कहते हैं फिक्र ना करो, हमारे उर्सों पे आते रहो, हमारी ग्यारहवीं देते रहो, पीर का हाथ तुम्हारी कमर पे है, हम जाने अल्लाह जाने, हम खुद ही छुड़वा लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सही मुस्लिम के अंदर हजरत आयशा की रिवायत है, फरमाते हैं उस वक्त तक दुनिया खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक क्यामत नहीं आएगी जब तक लात और उज्जा की दोबारा इबादत न की जाए, जब तक कलमा पढ़ने वाले फिर इन बुतों के सामने ना गिरे, इन दरगाहों पे सजदे ना करें, फिर वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करें, उस वक्त तक क्यामत कायम नहीं होगी। लेकिन अगर अभी भी किसी के जहन के अंदर तहरुल कादरी साहब के वो जुमले गूंज रहे हैं कि इस उम्मत में शिर्क नहीं आ सकता, तो मैं चंद वाकयात आपके सामने रखकर आपसे ही फैसला लेता हूं कि ये अकीदे शिर्क नहीं है तो और क्या है। ये हमारे हाथ के अंदर हजरत साईं मियां मुद्दा बड़ाना शरीफ वाले सरगोधा के अंदर इनका दरबार है, ये इनका कलाम छपा हुआ हमारे हाथ के अंदर है, और छापा भी किसी अनपढ़ आदमी ने नहीं, मियां मानुल्लाह खान चुगत्ता एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर ने शाया किया है। ये पूरा कलाम बकवासात से भरा हुआ, लेकिन इसके टाइटल पे एक शेर आपको सुनाता हूं, अल्लाह के लिए मुझे जवाब दीजिए, क्या ये शिर्क की गलाजतों से भरा हुआ है या नहीं। कहता है चौकां दे विच बिल्ले बहंदे, मुल्ला विच मसीतां जी, साधु सदा सधाने जिना ढूंढ लिया असलीतां जी। पंजाबी में शेर है, मियां मुद्दा मुर्शिद रब आखी पावे फतवे लान शरीतां जी। ए मियां मुद्दा, अपने मुर्शिद को रब कहना, बेशक शरीयत तुझ पर काफिर का फतवा लगा दे। अब जो अपने पीरों को अल्लाह बनाए, ये शिर्क नहीं तो और क्या है, ये तो शिर्क से भी आगे कुफर है। उसने अल्लाह का इनकार करके अपने इस पीर ही को अल्लाह बना दिया। ये हमारे हाथ के अंदर दीवाने मोहम्मदी है, जिसको ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने लिखा, 151 सफा इसका, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बनाकर पेश कर रहे हैं। सुनिए, कहते हैं बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, अल्लाह के नबी हरदम यही कहते थे ना, इन्नी अब्दुहू, मैं बंदा हूं अल्लाह का, तुम मुझे ईसाइयों की तरह ना बढ़ाना, ईसाइयों ने अपने नबी को बेटा बना दिया था अल्लाह का, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका रसूल हूं, मुझे बंदा और रसूल कहना। कहते हैं बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, खुदा के अरश पे वो इन्नी अनल्लाह बनकर निकलेंगे। जब क्यामत का दिन होगा, अरस से पर्दे हटेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह बन के सामने आ जाएंगे। ये हमारे हाथ के अंदर तज़किरा गौसिया गौस अली शाह कलंदर कादरी की किताब, पूछिए मौलवी ताहिरुल कादरी से इस गौस अली शाह कलंदर कादरी के तज़किरा गौसिया सफा 290 पर बयान किए हुए इस अकीदे को कुफर ना कहें, शिर्क ना कहें तो और क्या कहें, कोई नाम हमें बता दो। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, और झूठ, अल्लाह के नबी पर भी झूठ, जिब्राइल पर भी झूठ, और अल्लाह के नबी ने कहा था मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जो जानबूझ के मुझ पे झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा वही कहां से लाते हो, उसने कहा मैं सिदरतुल मुंतहा पे रुक जाता हूं, आवाज आती है लेकर आप तक आ जाता हूं। कहा कभी देखा है आगे वही करता कौन है, उसने कहा कभी हिम्मत नहीं पड़ी, कहा जरा इस दफा जाकर देखना। जिब्रील आवाज के पीछे चलते गए और जहां से आवाज आ रही थी जब अरश पे पहुंचे तो पर्दा हटाकर देखा तो खुद रसूलुल्लाह सल्लम अरश पर बैठ के वही कर रहे थे। वहीं खड़े खड़े जिब्रील ने मदीने में छाती मार के देखा तो वहां भी रसूलुल्लाह ही बैठकर वही सुन रहे थे, वही अल्लाह है, वही रसूलुल्लाह है, वही जो मुस्तवी अरशदा खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। इन
अकीदों को शिर्क ना कहे तो शिर्क की तारीफ तो करो। फिर शिर्क और क्या बीमारी है? मालिक कहता है जमीन और आसमान को कायम करने वाला, कुफार के बारे में कहता है वाला इंसान था हम मन खलक समावाती वाल अर्द, जमीन और आसमान को कायम इसका खालिक इसका मालिक कौन है? ऐ नबी अगर अबू जहल से भी पूछोगे ना तो ये कहेंगे अल्लाह, ये कहेंगे अल्लाह। जमीन और आसमान का खालिक भी अल्लाह, इसको कायम करने वाला भी अल्लाह। ये हमारे हाथ में है मलफूजात अहमद रजा खान साहब बरेलवी, इसका सफा नंबर 106 है। 106 पर सवाल करते हैं, 105 पर गौस, गौस सुना है ना आपने, गौस गौसे आजम मददगार जिसे कहते हैं, इनके हाँ औलिया के स्टेप हैं। कहते हैं हजरत क्या गौस हर जमाने में होता है? इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकती। गौस जमीन और आसमान को कायम रखता है। अल्लाह कहता है इस जमीन और आसमान को मैं कायम रखता हूं, ये कहते नहीं हमारे पीर कायम रखते हैं। पूछो जरा क्यू चैनल पे आने वालों से कि इसको शिर्क ना कहें तो शिर्क क्या है? मालिक एलान आलिमुल गैब गैबदान अल्लाह फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह अपने गैब को किसी पे जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, चाहता है अपने नबियों पर वही करके उसको इतला दे देता है, और जो नबी पे वही हो जाती है वो गैब रहता, वो तो जाहिर हो गया, सहाबा में आ गया, उम्मत में आ गया। इसी सफा 106 पर कहते हैं कि पूरी दुनिया गौस के सामने शीशे की तरह होती है, जहां पर जो कुछ हो रहा होता है उसका इलम गौस पाक को होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिला लेकर चले, हजरत आयशा की सवारी चली और हजरत आयशा अपनी सवारी पर मौजूद नहीं थी, गौस पाक को तो शीशे की तरह हर चीज नजर आ जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर क्यों नहीं आई? याद कर लीजिए, यहूदो नसारा के पीछे चलना, अकाइद हो अमाल हो, हलाकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये दावा करना कि इस उम्मत के अंदर शिर्क मौजूद नहीं है और यह उम्मत शिर्क नहीं कर सकती, यह दावा करना उम्मत को मजीद हलाकतों के अंदर गिराना, यह हमारे हाथ के अंदर फदाइल सदकात है। मौलाना जिक्रिया साहब की, इसका सफा 558 है। सफा 558 पर अल्लाह की जात में शिर्क करते हुए लिखते हैं, ए अल्लाह माफ फरमाना, झूठा हूं कुछ नहीं हूं, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। ये शिर्क नहीं तो और क्या है? और शिर्क ऐसी बड़ी खतरनाक बीमारी है। कुरान हकीम की आयात पे गौर कीजिए, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिह, अल्लाह अज़्ज़ व जल शिर्क को कभी माफ नहीं करे। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा जिसके लिए जो चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं। इन्नहु मन युशरक बिल्लाह, कानून इलाही सुनिए, अल्लाह के फैसलों पे गौर कीजिए, इन्नहु मन युशरक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बनाकर। मौलवी जिक्रिया साहब अपने शेख के बारे में ये कहकर, ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करे उसके लिए जन्नत के दरवाजे हराम हो जाते हैं, मावाहुल नार, उसका ठिकाना हमेशा की जहन्नम। ये शिर्क तो इतनी खतरनाक बात है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल 18 अंबिया का नाम लेता है कुरान हकीम में, उनकी तारीफें करता है और फिर कानून की बालादस्ती बयान करते हुए फरमाता है, वलौ अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यअमलून, शिर्क ये भी कर बैठते तो इनके सारे अमाल बर्बाद कर देता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह, कुछ भी हो जाए, कोई भी हालत हो जाए, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी शिर्क ना करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुझे टुकड़े टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाए तब भी शिर्क ना करना, और अगर तुझे जलाकर राख कर दिया जाए तब भी शिर्क।
आखिरी बात कह के बात खत्म करता, कैसे कैसे हालात आ जाएं। फिरौन की बच्चियों की आया, फिरौन की एक बेटी के साथ चलती है, उसके हाथ से कंघा जमीन पे गिरता है, बिस्मिल्लाह कहकर उसको उठाती है। वो कहती है बिस्मिल्लाह, अल्लाह यानी अभी तूने मेरे बाप का नाम लिया है। और वो मोमिना जो अपने पांच यतीमों को पालती थी, वो कहती है अल्लाह मैं उसको मानती हूं जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। वो दौड़ती भी अपने बाप के पास जाती है, कहती बाबा हमारे महल में तेरा खाने वाली, तुझे अल्लाह नहीं मानती, किसी और को अल्लाह मानती है। बुला लेता है, कहती है, कहता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? जवाब में कहती है रब्बी अल्लाह, मैंने अल्लाह को रब माना है जो मेरा भी रब है तेरा भी रब है। कहता है जानती है इसका मतलब क्या है? कहा जो मर्जी कर गुजर। उसको पता है ये अपने यतीम बच्चों से बहुत प्यार करती है, तेल का कड़ाहा गर्म करवाता है, एक बच्चे को उठाकर उसके पास लाता है और कहता है उस अल्लाह को अल्लाह ना मान, मुझे रब मान ले, तेरा बच्चा बच जाएगा, तू महल में रहेगी, मजे की जिंदगी गुजारेगी। कहने लगी मंजूर नहीं, बच्चे को उठाकर तेल के हवाले कर देता। उस मवाहिदा आया का बच्चा एक सेकंड के अंदर हड्डियां और बोटियां अलग होकर भूल जाती है, राख हो जाती है। कहता है क्या ख्याल है? जवाब में कहती है रब्बी अल्लाह, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाती हूं। दूसरे को उठाता है तेल के हवाले, तीसरे को उसमें डालता है, चौथे को डालता है, पांचवा उसकी छाती से लगा दूध पीता शीरखार बच्चा है। जब उसके जल्लाद उसको छीनते हैं, उसके हाथ में मां के बाल हैं, मुंह से दूध के कतरे हैं और तेल की तरफ गिरता है, तो मां के सीने से बेख्तियार चीख निकलती है। अल्लाह को अपनी वाहिदा बंदी पे रहम आता है, उस मासूम दूध पीते को जुबान देता है और वह आवाज लगाकर कहता है इस मेरी उम्मा, मां सबर कर, मेरी और तेरी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। पांचों को जलाकर पूछता है तेरा क्या ख्याल है? उसका एक ही जवाब है रब्बी अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, गौसे आजम भी अल्लाह, बरी करने वाला अल्लाह, दाता भी अल्लाह, गरीब नवाज भी अल्लाह, बंदा नवाज भी अल्लाह, बंदा परवर भी अल्लाह। अल्लाह के अलावा जितने हैं उसके मंगते और मोहताज हैं, दाता अल्लाह है। कहती है, कहता है अच्छा इसको भी उठाओ और आग के हवाले कर दो। उसको भी जला देता है। मुड़कर अपनी बीवी की तरफ देखता है जो पहले ही ईमान ला चुकी है और जुबान हाल से कहता है देखा है इन गुस्ताखों के सामने हमने क्या किया, सबको जला कर राख कर दिया जो हमें नहीं मानते। और वो मुवाहिदा मोमिना कहती है जालिम उस दिन तेरा क्या हाल होगा जिस दिन तुझे अल्लाह के दरबार में खड़े होकर ये सब तेरा गिरेबान पकड़ेंगे। कहता है क्या मतलब, तू भी उस अल्लाह को मानती है? हाँ हाँ मैं भी उस अल्लाह पर ईमान ले आई। कहता है ये सारी नेमतें छीन लूंगा मगर ना इनकार करके मुझे रब मान। कहने लगी जो जी में आता है कर गुजर, मैं रब उसी अल्लाह को मानती हूं। ला तुशरिक बिल्लाह, कभी भी अल्लाह के साथ शिरक ना कीजिए, आप कत्ल हो जाएं या आप जल कर राख हो जाएं। वो कहता है पता है क्या अजाब दूंगा? कहा दे के देख ले। वो इस मुवाहिदा के जिस्म में कीले मेखे गाड़ देता है हाथों और पांव में। इसकी तकलीफ हद से बढ़ती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। ये अर्श वाले रब की तरफ मुंह करके कहती है अल्लाह इस जालिम से निजात दे दे, मेरा घर अपनी जन्नत में बना दे। अल्लाह को अपनी मुवाहिदा बंदी पर रहम आता है, इसके और जन्नत के दरमियान पड़े हुए सारे पर्दों को हटाकर इसका महल जीते जी जन्नत का दिखा देता है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलती है। फिरौन कहता है उन्ज़ुरू इला हाज़िहिल मजनूना, इस पागल को देखो, मैं इसके जिस्म में कई मेखे गाड़ रहा हूं और ये मुस्करा रही है। तो याद कर लीजिए आज के सबक को, कोई हालत हो जाए भरोसे भी अल्लाह पे कीजिए,
उम्मीद भी अल्लाह से कीजिए, सवाल भी अल्लाह से कीजिए, मदद भी अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के अलावा गैरों से मांगना, अल्लाह के अलावा गैरों के दर पे सजदे करना, रुकू करना, बैतुल्लाह के अलावा किसी और कब्रों का तवाफ करके उनकी रजामंदी चाहना, ये तमाम आमाल, किसी कब्र पे चादर चढ़ाकर उसको राजी करना, फूल देकर उसको राजी करना, दिए जलाकर उसको राजी करना, ये अल्लाह के इबादत में गैरुल्लाह की शराकत है। अल्लाह शरीक बनाने वाले जुर्म को कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे इस हाल में दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से राज़ी।